बहुत सॉर्टेड है, बहुत फैमिली सॉर्टेड है, और अपना करियर भी मैंने छोटी एज में 3-4 अलग अलग चीज़ें ट्राई की हैं, और उसमें से जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो कर रहा हूँ। बट इसके बाद भी कभी कभी वॉइड हो जाती है, क्रिएट हो जाती है एक ऑटोमेटिक वॉइड। मन नहीं करता किसी से भी बात करने का, चुप रहने का, अकेले रहने का मन करता है। तो ऐसा क्यों है लाइफ में? अदरवाइज सॉर्टेड है, सब सॉर्टेड है, सब सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी तो दिक्कत है अपने आप में। I was about to say that. मैं यही बोलने वाला था कि ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, जब सब कुछ परफेक्ट है तो बचा क्या लाइफ में करने के लिए? मतलब आप समझ रहे हो, अभी मैं इसको थोड़ा बिल्ड करूंगा इससे पहले कि आप प्लीज थोड़ा। मैं तो सर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दुख की रात नींद नहीं आती और सुख की रात कौन सोता है। तो ना तो दुख की रात नींद आती है और ना सुख की रात नींद आती है। सुख हो जाता है कि अरे यार अब तो क्या ही कर दिया, नींद ही नहीं आती। सच हुआ होगा आपके साथ। नींद कब आती है? जब ना तो सुख है ना दुख है, बीच में कहीं चलते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट टू क्रिएट अ बैलेंस इन लाइफ। और कभी कभी ऐसा लग रहा है कि खालीपन है, तो उस खालीपन को महसूस कीजिए, अपने आप से बात कीजिए, घूमने चले जाइए, मोबाइल को हटा दीजिए। कब तक उसको ऐसे ऐसे चलाते रहेंगे आप? क्या मिल रहा है उसमें? कई बार आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि कुछ नहीं हो रहा है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, कोई आपको मैसेज नहीं कर रहा, फिर भी आप 11:17 हो गए, 11:18 हो गए, 11:20 हो गए, ये क्या है? व्हाट इज दिस? हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा, अदरवाइज हम उसके कंट्रोल में आ रहे हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहा। हम देख रहे हैं जबरदस्ती, किसी ने आपको हेलो नहीं लिखा, किसी ने आपको लाइक नहीं किया फोटो पे, कुछ नहीं हो रहा है, आपने कोई पोस्ट भी नहीं डाली है 10 दिन से, सब कुछ खाली, फिर भी आप देख रहे हो, होता है ना? तो हमें उससे समय निकाल के अपने लिए समय निकालना चाहिए। कभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जिंदगी में ऐसा समय आ गया कि अब बिल्कुल खालीपन है, तो अपनी आत्मा से बात कीजिए। मुझे लगता है कि आप अपने आप के बहुत करीब जाएंगे। वो ऐसा समय है जब आपको वो जो ऊपर वाला अपने पास बुला रहा है कि कुछ समय मेरे लिए भी निकाल, सब कुछ तो तुझे दे दिया है, आप कह रहे हैं ना आपको सब कुछ मिल गया है, सब सॉर्टेड, तो फिर उनके लिए कुछ हो जाए, ऐसा मुझे लगता है। लाइफ में जब हमको वो मिल जाता है ना जो हमको चाहिए होता है, उसके बाद में एक नई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि अब करें क्या, खाली हो गए। देखो जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है उसके पास में तो एक ही गोल है ना, और गोल बिल्कुल क्लियर है कि मुझे ये अचीव करना है। जब तक ये एंट्रेंस क्रैक नहीं हुआ, एंट्रेंस क्रैक करना है, उसके बाद में ये जॉब चाहिए, उसके बाद में ये करना है, वो करना है, व्हाटएवर। जब ये सब हो जाता है और आप जैसे खुद कह रहे हो कि लाइफ सेट हो गई है, ये बहुत ही एक, मैं क्या कहूँ, एक बोरिंग स्टेट होती है जहाँ पर जा करके एक वॉइड फील होता है अंदर से। तो फिर उसमें क्या होता है कि लोग एस्केप करते हैं उस वॉइड से। एस्केप करने के क्या तरीके हैं? वही जो इन्होंने कहा कि या तो मोबाइल पे टाइम पास करते रहो, या थोड़ा सा 2-4 लगा लो लवली लवली, राइट? हाँ, दोस्तों के साथ में जा करके बैठ जाओ, उल्टी सीधी बातें करते रहो इधर उधर की, या कुछ भी किसी भी तरीके से टाइम पास करो। एक तो ये होता है जिसको हम टाइम पास कह रहे हैं, एक्चुअली में हम टाइम को किल कर रहे हैं, वो टाइम जो एक दिन हमें किल करने वाला है। ऐसे में आपको अपने आप से पूछना है व्हाट नेक्स्ट। लाइफ ईट स्लीप रिपीट वाले मोड में चली जाती है, जैसे बिल्कुल ऐसा है, एक मूवी आपने देख ली, बहुत अच्छी लगी पहली बार में, फिर दोबारा देखी क्योंकि बहुत अच्छी मूवी थी, दोबारा देखी, फिर 4 बार देखी। अब आप कह रहे हो मैंने मूवी को वही बार बार लूप में देख रहा हूं, और 1 साल से देखता चला जा रहा हूं डेली, अब थोड़ी बोरिंग हो गई। उसको बोरिंग होगी ना, ये जो वॉइड है ये पता है क्या है? ये एक ऐसी फीलिंग है कि आप अंदर से कुछ और करना चाहते हो अपनी लाइफ में, लेकिन जो चल रहा है जैसा चल रहा है उसी आदत हो चुकी है, उससे बाहर भी नहीं निकलना चाहते। तो एक तरफ से आप बाहर निकलना भी चाहते हो, लेकिन निकलने के लिए जो करना पड़ेगा, उसके लिए जो एफर्ट करना पड़ेगा, वो हम नहीं करना चाहते। इसको कंफर्ट जोन बोलते हैं कि मतलब अब आपकी लाइफ कंफर्टेबल हो गई। लाइफ में ना 2 चीजें होती है, एक होता है जो बेसिक हमारी नीड्स होती है, जरूरतें होती है, जब वो पूरी हो जाती है उसके बाद आदमी भागता है कंफर्ट के पीछे। जब लाइफ कंफर्टेबल भी हो जाती है तो अब कुछ बचा ही नहीं लाइफ में। अब जैसे इन्होंने कहा, अब आपको अगले गोल के बारे में सोचना है। अगला गोल क्या है? अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो, अपने लिए कोई चैलेंजेस क्रिएट करो लाइफ में, अपने लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करो अगर नहीं है तो। हमें लगता है प्रॉब्लम फ्री लाइफ इज गुड, अरे नहीं, बोरिंग है। प्रॉब्लम क्रिएट करो अपने लिए, कोई ना कोई चैलेंज क्रिएट करो। जैसे आप सोचो मेरी लाइफ कितनी कंफर्टेबल है अगर वैसे आप देखो तो, आपको वैसे पता नहीं है लेकिन हाँ, मतलब वैसे बहुत कंफर्टेबल है एज फार एज माई बिजनेस इज कंसर्न, लेकिन तब भी ये सब कर रहा हूँ ना, क्यों कर रहा हूँ, क्या जरूरत है? लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या जरूरत है आपको? एक्चुअली जो लाइफ का जो हाईएस्ट पॉइंट है, मतलब एक्सप्लोरेशन के इस स्टेप पर जाना है कि ये हर चीज आपको एक्सप्लोर करनी होती है। अभी फॉर एग्जांपल ये सेशन से भी आप कुछ सीख रहे हो, सर से भी कुछ सीख रहे हो, पब्लिक से कुछ सीख रहे हो, तो आपको एक्सप्लोरेशन आपका मेन ये है, मतलब मोटिव है लाइफ का, तो वो उसका तो कोई एंड ही नहीं है ना सर। एक्सप्लोरेशन तो आप फिर यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, खुद को एक्सप्लोरेशन कर सकते हो, थॉट को एक्सप्लोरेशन कर सकते हो, तो ये आपका पर्पस है। एब्सोल्युटली राइट।
एक्सप्लोर करने में नई नई चीजों को, नई नई जगहों को, नई नई चीजों को मजा आता है ना। मानो यूनिवर्स है, उसको आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है, मजा आएगा या नहीं आएगा? या एक कंफर्टेबल सी लाइफ आपको दे दी जाए जहां पे आपको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मिल गया, एक टीवी मिल गया, मोबाइल मिल गया, एक गाड़ी मिल गई, घर मिल गया, और वहां पर आप बैठे हो और अपना वही रूटीन चलता चला जा रहा है, उसमें मजा आएगा? या एक्सप्लोर कर रहे पूरी दुनिया को, पूरे यूनिवर्स को, दैट इज ऑप्शन नंबर वन। एक और ऑप्शन है, वो क्या है? आप पूरी दुनिया को एक्सप्लोर नहीं कर रहे, क्योंकि दुनिया को एक्सप्लोर करने में बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, आप यहां जाओगे वहां जाओगे, और दुनिया इतनी बड़ी है कि आपकी लाइफ छोटी पड़ जाएगी। दूसरा भी एक तरीका है, वो क्या है? आप खुद को एक्सप्लोर कर रहे, खुद में कितना कुछ है, हमारी जो बॉडी है, माइंड है, जो भी फैकल्टीज है ऑफ एक्सप्रेसिंग आवरसेल्व्स इन डिफरेंट वेज, उसकी क्या लिमिट है? और अगर आप उसको एक्सप्लोर करने लग जाओ तो आप कहां तक जा सकते हैं? मतलब आपकी अपनी जो कैपेबिलिटीज है, ये बॉडी को देखो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह, जैसे गाड़ी एक इंस्ट्रूमेंट है ना, तो गाड़ी की एक लिमिट को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो गाड़ी की तो फिर भी एक लिमिट है, वहां पे दिख जाती है, स्पीडोमीटर में दिख जाती है कि ये लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है। हमारी लिमिट क्या है? इस इंस्ट्रूमेंट की लिमिट क्या है? बॉडी की लिमिट क्या है? माइंड की क्या है? इंटेलेक्ट की क्या है? लिमिटलेस। ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, एक्चुअल में लिमिटलेस है। और अगर आप अभी एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी का मतलब समझ गए ना, कभी एक्चुअल में अगर अपने आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, नॉट हाउ टू बी स्पिरिचुअल, हम ज्यादातर हाउ टू में जाकर के अटक जाते हैं। फिर कोई हमको मेथड दे देता है, फॉर्मूला दे देता है, टेक्निक दे देता है, उसको हम फॉलो करते हैं, पैटर्न में घूम जाते हैं। नहीं, आस्क योरसेल्फ व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, इतने स्क्रिप्चर्स लिखे हैं तो कुछ तो वहां पे सच होगा ना, लेट मी फाइंड आउट। और सच दो तरीके का होता है, एक दुनिया के बारे में, एक खुद के बारे में। जब खुद की जो डायमेंशंस हैं अलग अलग, माइंड की, बॉडी की, और उसके बियॉन्ड भी कुछ है, उस सब की, उसको जब आप एक्सप्लोर करते हो और फिर उस लेवल से किसी के साथ में कुछ शेयर करते हो, दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ।